नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद जिले की प्रमुख खबरों की। राजसमंद जिले में आज दिन भर में 200 से ज़्यादा जांच रिपोर्ट सभी नेगेटिव रही, जबकि 6 लोगों ने कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो गए। इस पर आरके जिला चिकित्सालय से उन्हें छुट्टी दे दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी बुनकर ने बताया कि देवड़ों का खेड़ा, गलवा, कोसीवाड़ा, तकड़ियों का गुड़ा का एक एक पॉजिटिव व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौट गया, जबकि आरवाड़ा के 2 युवकों को भी स्वस्थ होने पर जिला चिकित्सालय से छुट्टी दी गई। जिले में अब तक 2849 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 126 पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 2360 नेगेटिव पाए गए। इसके अलावा 316 सैंपल उदयपुर मेडिकल कॉलेज में लंबित हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट आनी बाकी हैं। देवगढ़ अस्पताल के डॉक्टर के संपर्क में आने वाले 41 लोगों के आज सैंपल लेकर उदयपुर भिजवाए गए हैं। इधर सीएमएचओ डॉक्टर जेपी बुनकर ने राजसमंद ब्लॉक के कोविड केयर सेंटर का अवलोकन किया। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार खोलिया ने उन्हें यहां रखे जाने वाले मरीजों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं, दैनिक आवश्यकताओं के लिए निर्धारित सामग्री का किट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि यह सेंटर 100 मरीजों के लिए पर्याप्त हैं तथा यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सीएमएचओ डॉक्टर जेपी बुनकर ने सेंटर को तत्काल शुरू करने के लिए निर्देशित किया तथा राजसमंद ब्लॉक के कोविड मरीजों को भर्ती करने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान एपिडियोलॉजिस्ट हरीश कुमार पलासिया भी साथ थे। कोरोना वायरस की जागरूकता के लिए पसुंद ग्राम पंचायत द्वारा अनूठी पहल की गई है। पंचायत द्वारा नल की मटकियां खरीदकर उस पर कोरोना से बचाव के लिए विशेष स्लोगन लिखवाए गए हैं। नरेगा कार्यस्थल पर मटकियां रखी जा रही हैं और प्रतिदिन एक एक श्रमिक को मटकी निःशुल्क दी जा रही है। मटकी घर ले जाने पर परिवार के लोग कोरोना वायरस के प्रति जागरूक हो रहे हैं। सहायक विकास अधिकारी राजेश जोशी ने नरेगा कार्यस्थल पर लोगों से आह्वान किया कि सभी अपने पर स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना से सतर्क रहें और हमेशा मास्क पहनना रखें। सरपंच अयन जोशी ने भी पानी की बोतल, तगारी, पावड़ी सभी अलग अलग रखने के लिए श्रमिकों को प्रेरित किया। इस दौरान सहायक गणेश रेगर, शिवराज जोशी आदि मौजूद थे। एवं पंचायत राज विभाग की राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से आमेट के भीलमंगरा में मनरेगा कार्यस्थल पर श्रमिकों को मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए गए। कोरोना से बचाव के उपाय भी बताए। इस दौरान शिवलाल बैरागी, कालूराम बैरागी, राजेश कुमार लोधा, नीरज पाटीदार आदि मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष और नाथद्वारा विधायक डॉक्टर सीपी जोशी ने पुलिस, चिकित्सा व प्रशासन के कई अधिकारी व कार्मिकों से मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग के जरिए संवाद किया। डॉक्टर जोशी ने ड्यूटी में तैनात कोरोना कर्मवीरों से फील्ड में आ रही परेशानियों के बारे में जाना और निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को खास निर्देश दिए। उन्होंने नाथद्वारा अस्पताल के डॉक्टर अनिल शर्मा, डॉक्टर सतीश सिंगल, डॉक्टर बीएल जाट, नर्सिंग प्रभारी सेवाराम, लैब टेक्नीशियन अनिल सनाडी से संवाद किया। इसी तरह रेलमगरा, देलवाड़ा, खमनौर के चिकित्सकों से भी बातचीत की। नाथद्वारा पुलिस उप अधीक्षक रोशन पटेल, वृत्त निरीक्षक पूर्ण सिंह राजपुरोहित सहित कई पुलिस जवानों से बातचीत की। रेलमगरा थाना प्रभारी छगन पुरोहित, देलवाड़ा थाना प्रभारी नवल किशोर, खमनौर थानेदार सुरेश पालीवाल से भी संवाद किया। फिर नाथद्वारा नगर पालिका में मीडिया कर्मियों से भी वीडियो कॉलिंग के जरिए रूबरू हुए। राजसमंद जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने उथनोल पंचायत क्षेत्र में नरेगा कार्यस्थलों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने श्रमिकों को मास्क पहनने व दिन में बार बार हाथ धोने के लिए भी प्रेरित व प्रोत्साहित किया। उन्होंने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए भी खास सावधानियां बताई। आमेट के सरदारगढ़ स्थित इलाहाबाद बैंक शाखा के बाहर सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियां उड़ी। कई लोग बिना मास्क के दिखे और ज़्यादातर लोग पास पास में बिठाई दिए गए। सरदारगढ़ में एम्बुलेंस का चालक पॉजिटिव आने के बाद भी बैंक प्रबंधन गंभीर नहीं दिखा। राजसमंद पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी सुशील कुमार ने ई मित्र संचालकों की विशेष बैठक ली। उन्होंने लॉकडाउन के चलते असहाय लोगों को तत्काल खाद्य विभाग के निर्देशानुसार ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने के लिए निर्देश दिए। विकास अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान ने बताया कि प्रवासी श्रमिक, हेयर कटिंग, कपड़ा प्रेस, पुलिस, रिक्शा चालक, खलासी, ठेला, ढोलक वादक, ढोल वादक, चूड़ी वाले, रंगई पुतई, टायर पंचर, पतल दोना, गुमंतु, गाड़िया लोहार आदि के आवेदन तैयार करवाकर ऑनलाइन भरवाए जाएं। पंचायत राज विभाग की मासिक बैठक में भी
उपखंड अधिकारी सुशील कुमार ने खास सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए। इसके बाद विकास अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान द्वारा फील्ड व कार्यालय स्टाफ को 100 से ज़्यादा अमृतधारा आयुर्वेदिक दवाई का वितरण किया गया, जिससे उन्हें गर्मी में राहत मिल सके। देवगढ़ में एक चिकित्सा कर्मी ने नगरपालिका देवगढ़ के अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध अभद्रता के आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी देवगढ़ को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई। सुनिए चिकित्सा कर्मी की जुबानी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवगढ़, आज 25 तारीख को हमारे विद्यानिकेतन स्कूल देवगढ़ के अंदर कोरोना सैंपलिंग का कैंप था। हम सुबह 9:15 यहाँ पहुंचे तो मैं अपने नर्सिंग प्रभारी से यहाँ के सैंपलिंग को लेकर चर्चा कर रहा था, तो इतने में यहाँ के अधिशासी अधिकारी नगर पालिका महोदय, मैं नाम नहीं जानता और बाई फेस परिचित भी नहीं हूँ, बीच में ही बोले कि यहाँ की व्यवस्था मैं देख रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा भाई मैं आपसे बात नहीं कर रहा, तो उन्होंने बोला, मैंने कहा उनसे कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो बोले तेरी औकात क्या मेरे से बात करने की। मैंने कहा फिर का मैं आपसे बात नहीं करूंगा, चल इधर आ काम कर। तो मैंने कहा इस तरह से बात करने का, मैं तो ये भी पता नहीं कि वो अधिशासी का अधिकारी है क्या है, मुझे मेरे अधिकारी से मतलब है, मुझे उनसे कोई नहीं था ना, मैं उनको जानता था, बट इस तरह से अभद्रतापूर्वक दुर्व्यवहार किया गया। मैं अपने यूनियन का जिलाध्यक्ष हूँ, लेफ्ट टेक्नीशियन यूनियन जिला राजसमंद का, मैं चाहता था पूरे जिले के अंदर और पूरे राजस्थान के अंदर सुबह जांच कार्य बंद करवा सकता था, बट मानवीय हित को ध्यान में रखते हुए मैंने अभी पूरा कार्य संपन्न करने के बाद लिखित में SDM महोदय देवगढ़ को मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि इस अधिकारी होने के नाते इस तरह से आप किसी भी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार और अभद्रतापूर्वक व्यवहार नहीं कर सकते। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए रिपोर्ट श्रीमान उपखंड अधिकारी देवगढ़ के कार्यालय को मैंने प्रेषित की है और ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। डीवीआर थाना क्षेत्र के गुणिया आश्रम पर संत प्रेमदास की आत्महत्या करने के मामले में आरोपियों को तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी तादाद में साधु संत गुणिया आश्रम पर एकत्रित हो गए। साधु इस मांग पर अड़ गए कि पहले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, तब संत का शव उठाया जाएगा। बाद में पुलिस अधिकारियों ने जल्द ही सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया तो साधु मान गए। देखिए हम तो ये चाहते हैं जो गुनहगार है उसको सजा मिले, और जिस जिस का महाराज जी ने खुद ने वीडियो बनाई है उसमें जिस जिस के नाम लिए सबसे पहले उन्हें आप गिरफ्तार करें जी। हमें तो निष्पक्ष जांच चाहिए, हमारे को महाराज का कलंक भी हटना चाहिए जो महाराज कह रहे हैं जी। जब मालूम 1-15 दिन पहले अगर ये इतना मामला चल रहा तो CCTV कैमरे लगा रखे है, जाँच करनी चाहिए प्रशासन को इनको, तो हमारा महात्मा हमारे बीच में होता। जब महात्मा के साथ इतना जो है अन्याय हो रहा है और इतना दबाव डाला जा रहा है उसके ऊपर जी, कभी 10 लाख मांगते हैं, कभी 5 लाख मांगते हैं, कभी 2.5 लाख मांगते हैं, तो प्रशासन इस समय ताला बंद कर दिया, उसको जो है मोबाइल का पता नहीं लगेगा, तो जांच उसको करने चाहिए थे। और जिन लोगों के नाम दिए मोबाइल में नाम आ रहे हैं, इन लोगों ने हमारे साथ जांचती की है। इस तरह से संतों को बदनाम करने के लिए, भविष्य में ऐसा संतों के लिए नहीं हो, तो जितने भी वो गुनाहगार हैं सबको गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद हम लोग संस्कार करेंगे, ये हमारा विचार है। मैं निर्मोय अखाड़ा, राम जन्मभूमि ट्रस्टी और इस मेवाड़ मंडल में हम मेहनत हैं। हम लोगों का यह है कि कानून इस चीज़ के लिए निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को सजा मिले, और ये जो हुआ है इसके लिए विचार विमर्श करके ये सारे वकील हैं, जज हैं, और भी जो प्रक्रियाएं हैं उसको विधिवत पूरा किया जाए निष्पक्ष रूप से, और इसके लिए हम लोगों ने पूरे मेवाड़ मंडल ने महंत हर्षिता दास जी को नियुक्त किया है और उनके दो शिष्य हैं, वो भी सुबह तक आ जाएंगे। इसी तरह की रोचक व ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़।